वंदे मातरम पूर्वांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। पूर्वांचल की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बैठक, चल रही है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित, सरकारी कर्मचारी सुरक्षित जगह भेजे जाएंगे, 6 जून तक शिफ्ट किए जाएंगे सरकारी कर्मचारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराज्यपाल की बैठक चल रही है कश्मीरी पंडित और की सुरक्षा को लेकर, यह बैठक है क्योंकि लगातार सवाल कश्मीरी पंडित उठा रहे हैं। कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी सुरक्षित जगह पर भेजे जाएंगे, जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और रोष लोगों में देखने को मिल रहा है, उसके मद्देनजर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो 6 जून तक शिफ्ट किए जाएंगे सरकारी कर्मचारी। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल भट्ट की हत्या की गई थी गोली मारकर, उसके बाद राहुल भट्ट के परिजनों ने नाराजगी व्यक्त की थी, प्रदर्शन किया था लोगों ने, सड़कों पर लोग उतरे थे, उसके बाद अब ये बड़ा फैसला और ये बड़ी बैठक। 6 जून तक शिफ्ट किए जाएंगे सरकारी कर्मचारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बैठक में ये फैसला लिया गया। कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को लेकर ये बड़ा फैसला है। कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी सुरक्षित जगह पर भेजे जाएंगे, क्योंकि लगातार कश्मीरी पंडित जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे, उसके बाद उनकी चिंता को देखते हुए ये बैठक, और इस बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, अब बात करेंगे पूर्वांचल की खबरों की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज से गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह के लिए निर्माण के लिए पहली शिला रखी है। इसके साथ ही 29 मई से शुरू हुआ सर्वदेव अनुष्ठान का समापन हो गया, और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही और कहा कि आज से शिलाओं के रखने का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर तैयार हो जाएगा। ये मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देश दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक बनेगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ ये मंदिर देश की एकात्मकता का प्रतीक होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज हमारा सौभाग्य है कि मंदिर के गर्भगृह में शिलाओं को रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी, आज यहाँ उसके सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने किया था, जो कि सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। मंदिर निर्माण का कार्य अब द्रुत गति से आगे बढ़ेगा, और सैकड़ों वर्षों से भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वो दिन बहुत दूर नहीं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ, और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी, उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी नीतीश कुमार को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी पत्रकारों को विशेष सुविधा के साथ राम जन्मभूमि मंदिर और परिसर का दर्शन कराया जाए। वहीं परिसर में हो रहे मंदिर निर्माण की कवरेज भी पत्रकार कर सकते हैं। दरअसल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से वार्ता के बाद सहमति बनी है, जिसकी जानकारी उप सूचना निदेशक मुरलीधर सिंह ने दी है।
प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील में रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आंगनवाड़ी केंद्र जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि ब्लास्ट के चपेट में आने से एक राहगीर की मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर गांव में अफरा तफरी फैल गई। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में आंगनवाड़ी केंद्र बंद चल रहा था, जिसमें एक गरीब परिवार गुजर बसर कर रहा था, जिस दौरान लीकेज होने से गैस सिलेंडर में आग लग गई। हालांकि परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन थोड़ी देर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से तेज धमाका हुआ और सड़क पर साइकिल से जा रहा व्यक्ति ब्लास्ट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्लास्ट इतना तेज था कि गैस सिलेंडर का मलबा काफी दूर तक बिखर गया। और अयोध्या में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति का पदभार ग्रहण किया है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रविशंकर सिंह गंभीर आरोपों के चलते पदभार से हटाए गए हैं। और वही रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 6 क्विंटल गांजा बरामद किया है और साथ ही साथ पुलिस ने DCM 2 अवैध असलाह भी आरोपी के पास से बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब करीब 6 करोड़ की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से इस कार्य में शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस ट्रेड में इनके साथ और बाकी लोग भी जो शामिल हैं, उनकी भी उनके नाम बता करके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्तगणों का पूरा डॉजियर और त्रिनेत्र जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड है उसमें अपलोड कराया जा रहा है और इनसे पूछताछ करके और भी जो फर्दर एक्शन इसमें होना है वो हम लोग आगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा, पहले से कोई आपराधिक इतिहास? पहले से इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और तो इन्होंने ये बताया है कि पूर्व में भी 1-2 चक्कर ये लगा चुके हैं, जब मैं पुलिस की निगाह से बच के निकल गए थे। इसमें से एक दूसरा अभियुक्त जो है संतोष राठौर, उसके विरुद्ध इसके नेटिव जनपद के थाने में एक मुकदमा लिखा गया है, लेकिन उस मुकदमे में बाद में FIR लग गई थी। बाकी इन लोगों का ये पहला क्राइम तो पहला नहीं है। और वही जौनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें थाना लाइन बाजार पुलिस ने नकली एशियन पेंट बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मियांपुर मोहल्ला लाइन थाना बाजार में नकली एशियन पेंट बनाने का कार्य चल रहा था, जिसमें पुलिस ने आरोपी के पास से 535 खाली बाल्टी, 480 हैंडल, 514 ढक्कन और 512 एशियन नकली स्टिकर बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। और करने के बाद जो वादी थे, जो कि कंपनी के प्रतिनिधि थे, उनको ले जाके जब छापा मारा गया उस जगह पे, तो वहाँ पे भारी मात्रा में चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें 535 खाली बाल्टी एशियन पेंट की, 480 हैंडल हैं, 514 ढक्कन हैं और 512 अदद नकली स्टिकर एशियन कंपनी के। इस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, भारी बरामद की हुई है, अनविधि कार्रवाई की जा रही है। और गोंडा के करनैलगंज में बिना कार्य कराए करोड़ों के गबन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि करनैलगंज के ब्लॉक हल्दरमऊ में सरकारी खजाने का जमकर दुरुपयोग किया गया है, जिसमें SDM और DDO के साथ कई अधिकारियों के भी मौजूद होने की बात सामने आ रही है। वहीं कार्य के जांच में कई खामियां भी देखने को मिली है। और अब खबर चंदौली से है, जहां प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर वो काफी सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं और साथ ही भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ योगी सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता सुरेश प्रसाद ने जिलाधिकारी संजीव सिंह को ग्राम सभा सोनहुल में मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर जिलाधिकारी को अवगत कराया। शिकायतकर्ता ने कहा कि सोनहुल ग्राम सभा के रोजगार सेवक ब्रजेश कुमार की ओर से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने अधिवक्ता भाई मनोज कुमार का मनरेगा जॉब रिकॉर्ड बनवाकर कई
सालों से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिसके बाद शिकायत देकर शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नाम सुरेश प्रसाद है, मैं चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक से बोल रहा हूँ। सोनहुल गांव में रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा में किए गए भ्रष्टाचार का शिकायती पत्र माननीय DM साहब के यहाँ दिया हूँ, जिसके रोजगार सेवक द्वारा अपने भाई जो एडवोकेट है, उसकी भाभी, उसके माता पिता जो नरेगा में काम करते हैं, जबकि कभी भी कम सच्चाई में काम नहीं किए हैं, ये शिकायत जो है मैंने चकिया भी SDM को और BDO को दिया था, जिसके तहत कार्रवाई अभी नहीं हुई है। मनरेगा SOP के अंतर्गत इस तरह की प्राप्त शिकायतों की जांच जिला स्तरीय अधिकारी से कराई जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके अनुसार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वही झांसी के शहर कोतवाली इलाके के नरिया बाजार में एक साड़ी की शोरूम और मकान में भीषण आग लग गई। वही हादसे के वक्त मकान में परिवार के लगभग दर्जन भर लोग सो रहे थे। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 7 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बाकी चीज़ें सामान्य हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करवा रहे हैं। घर वालों से वार्ता हुई है, उनके अनुसार सुबह मॉर्निंग में नीचे से कहीं आग लगी है, जो प्रथम दृष्टा देखने पे ये लग रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट से आग हो सकती है। बाकी अभी इस टेक्निकली इसकी जांच करने के उपरांत ही कुछ ऑथेंटिक रूप से कहा जा सकता है। सर, इसमें आर्मी क्या बुलाई गई थी? देखिए, इन एडिशन टू के लिए हमने आर्मी हेडक्वार्टर को सूचना करी थी। हमारे चूँकि भाई हैं, बगल में ही हैं, तो उनको सूचना करी गई थी कि अगर इनकेस ज़रूरत पड़ती है तो उनकी भी फायर की गाड़ी आ जाए। हालांकि उनके पहुंचने से पूर्व ही हम लोगों ने आग पूरी तरह से बुझा ली। और चलिए, यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जौनपुर में विद्युत विभाग कार्यालय में अजीबोगरीब कारनामा दिखाई दिया है, जिसमें विद्युत कार्यालय पशुपालन गृह बन चुका है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग कार्यालय के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने सर्किल फर्स्ट दफ्तर को घर बना दिया है। दरअसल अधीक्षण अभियंता अपने पालतू कुत्ते को विद्युत विभाग दफ्तर लेकर आते हैं। और वही पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने गोमती के पुनरुद्धार को लेकर गोमती की फुलहर झील के जल स्रोत का निरीक्षण किया। दरअसल जिलाधिकारी ने श्रमदान कर मनरेगा योजना के तहत हजारों की संख्या में मजदूर लगवाकर उसकी खुदाई करवाते हुए जल स्रोत खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे लगातार आधुनिक भागीरथी की भूमिका में श्रमदान के साथ साथ प्रतिदिन कई किलोमीटर पैदल चलकर फुलहर झील का निरीक्षण करते हैं। वहीं जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि महाअभियान के तहत गंगा बचाव को लेकर गोमती का पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। गोमती, जिनके किनारे पे हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसी हुई है, उसका उद्गम हमारे जनपद पीलीभीत की है माधव टांडा में फुलहर झील से होता है। पिछले कई वर्षों में ये प्रयास करा गया कि माँ गोमती को अविरल रूप में लाया जाए और आज एक महाअभियान मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ करा है। और वही कुशीनगर में हाटा कोतवाली पुलिस और सर्विलांस की टीम ने नकली ब्रांड के शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में भारी मात्रा में अलग अलग कंपनियों के शैम्पू बनाने का कार्य चल रहा था, जिसमें पुलिस ने छापेमारी के दौरान शैम्पू बनाने में इस्तेमाल उपकरण भी आरोपियों से बरामद किए हैं। और साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मार्केट में नकली शैम्पू की कीमत 5 लाख रुपये की है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना कोतवाली हाटा और सर्विलांस सेल की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इससे क्रम में 3 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना कोतवाली हाटा और सर्विलांस सेल की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इससे क्रम में 3 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 2500 से अधिक नकली शैम्पू की बोतलें मिली हैं और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये से अधिक है।
और वही कौशाम्बी के मोहम्मदपुर पैसा थाना क्षेत्र में एसओजी और पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें राहगीरों से लूट करने वाले गिरोह के सरगना को एसओजी और पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि मुखबिर की सूचना पर सीओ सिराथू, केजी सिंह और एसओजी टीम ने बदमाश नन्हा यादव को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, जिसमें मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसके चलते पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और डिटेल में जब इससे जानकारी की गई, नन्ना पुत्र श्यामलाल, ये करीब 25 साल के आसपास में इससे पूछताछ किया गया तो जानकारी मिली कि यह व्यक्ति पहले भी कई अपराधों से लिप्त रहा है और इसके विरुद्ध करीब 9 मुकदमे हैं, जिसमें 2 हत्या के मुकदमे हैं, 307 का मुकदमा है और 2 लूट के मुकदमे हैं। इसके अलावा कुछ वाहन बरामदगी और तमाम इस तरह के अपराध इनके द्वारा किए गए हैं। 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध है और जब इनसे डिटेल में पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि जो फतेहपुर में जो लूट की जो घटना हुई थी वो इन्हीं के साथियों के द्वारा की गई थी। और वही प्रयागराज में खड़ी गाड़ियों में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। तस्वीर आपके सामने है। आनंद फानंद में घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आग की वजह से कार खाक हो गई। आपको बता दें कि गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आग लगने की वजह जानने की कोशिश कर रही है। पानी है ही नहीं है, सस्पेंड करो सबको। और वही बस्ती में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाश ने दिन दहाड़े कार को ओवरटेक कर कार सवारों पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया है कि घटना छावनी थाना क्षेत्र के तराहे की है, जहां पर 2 बाइक सवारों ने कार को ओवरटेक कर कार सवारों पर ताबड़तोड़ पहले फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। आपको बताएं कि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। शाम 6 बजे छावनी थाना क्षेत्र में छावनी तिराहे के पास राजेश वर्मा अपने 2 साथियों के साथ एक कार से आ रहे थे। इसी बीच में 2 बाइक सवार ने उनको ओवरटेक करके इस गाड़ी पर फायर किया है, जिसमें राजेश वर्मा के चेस्ट में गोली लगी है और प्रदीप के हाथ को छूते हुए गोली चली गई है। राजेश वर्मा को यहाँ जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए और प्रदीप वर्मा की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है, निशान दुबे, अजय दुबे, और इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और वही जौनपुर के मछली शहर में एसडीएम ज्योति सिंह के नेतृत्व में पूरे नगर में प्रशासन का बुलडोजर खूब गर्जा है। इस दौरान नगर के सड़कों और सड़क की पटरियों और नालियों पर बनी सीढ़ियों को तोड़कर उसे अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस दौरान सीओ और कोतवाली टीम की भारी फोर्स के अलावा नगर पंचायत की टीम मौजूद रही। वहीं एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरे नगर समेत तहसील क्षेत्र के सभी बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। इस दौरान नगर में जिन लोगों ने नालियों पर घर का बारजा निकाल रखा है उसको नोटिस भेजा जाएगा और जल्द से जल्द खुद बारजा ना तोड़ने पर उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार सभी जितने भी नगर पंचायतें हैं उनमें जो भी अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण हुआ है वो सभी को पहले अनाउंसमेंट किया गया था। 1 सप्ताह पहले से अनाउंसमेंट चल रही थी, बताया गया था सबको, अवगत कराने के बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। तो जितने भी टेम्पररी वो हटाए जा रहे हैं, बाकी पक्की जो कंस्ट्रक्शन है उनको 1 सप्ताह का और नोटिस दिया जा रहा है। ये पूरे नगर में जी नहीं, पूरी तहसील में जितने भी कस्बे हैं, जितनी भी नगर पंचायतें हैं, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है सभी जगह ये कार्य किया जाएगा। मकान जो नाली कूटा बने हैं उनके लिए क्या उनको पेनाल्टी दी गई है और उनको नोटिस दिया गया है कि आप स्वयं तोड़ लें, नहीं तो 1 सप्ताह बाद इसे तोड़ दिया जाएगा। और वही श्रावस्ती में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें राप्ती बैराज के सड़क के किनारे बने होटल और दुकानों को बुलडोजर से धराशायी किया गया है। आपको बताएं कि एसडीएम प्रवेंद्र कुमार की अगुवाई में अतिक्रमण को हटवाया गया है और साथ ही साथ लगातार प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है।
श्रावस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। परेड के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने परेड में उपस्थित सभी कर्मचारियों को पीटी भी कराई और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए रोजाना पीटी और योगा करने के लिए प्रेरित किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने यूपी 112 गाड़ियों का निरीक्षण भी किया और कमियों को दूर कराने के लिए प्रभारी को निर्देशित किया। और वहीं जौनपुर में मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के सुरेरी थाने में तैनात उप निरीक्षक हैदर अली को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी महातिम पांडे का पड़ोसी अंबिका से जमीनी विवाद चल रहा था और इसी के चलते थाने में मुकदमा दर्ज था। वहीं मुकदमे में एक अभियुक्त का नाम निकालने के नाम पर उप निरीक्षक हैदर अली ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सुलेरी के रहने वाले महातिम पांडे निवासी कठोतिया थाना सुलेरी जनपद जौनपुर ने दिनांक 27/5/2022 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी में लिखित शिकायत किया है कि मेरे विरुद्ध और मेरे भतीजे के विरुद्ध विपक्षियों ने मुकदमा पंजीकृत कराया है मारपीट का, जिसकी विवेचना वहाँ के उप निरीक्षक थाना सुलेरी के उप निरीक्षक श्री हैदर अली द्वारा की जा रही है। उनसे जो है कि इन्होंने कहा कि मेरा भतीजा उत्कर्ष पांडे मौके पर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नाम निकालने के लिए कम से कम 10,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। इस बात की शिकायत उन्होंने आकर के मेरे भ्रष्टाचार निवारण संगठन में किया गया। और इन खबरों के साथ ही पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।